मध्य प्रदेश में लंबे समय से टल रहे नगरीय निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महापौर पद के प्रत्याशी के चयन में लंबी उठापटक करने के बाद अब पार्षदों के चयन को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। जहां सालों से पार्टी में कार्य करने वाले जमीनी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से पार्षद पद की उम्मीदवारी की तैयारी करते नजर आ रहे थे, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख के एक दिन पहले तक नाम फाइनल नहीं होने पर कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है और आज अगर बोल रहे हैं आप शाम तक की घोषणा हुई नहीं हुई तो ये तो ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, कैसे भरेंगे कल तक? तो पार्टी को इतने भी अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए कि अंत तक इंतजार कर रहे हो। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर सब चल रहा है, उन्हें देखकर हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और हम राय व्यक्त ये कर रहे हैं, मैं महिला मोर्चे की नगर महामंत्री हूँ, दूसरी बार की नगर महामंत्री हूँ, मुझे 23 साल हो गए हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने PhD किया है, मैं स्कूल एक सिक्का स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने नौकरी वगैरह सब छोड़कर पूरी तरह से पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। उसके उपरांत यदि घर बैठी महिलाओं को मिलता है टिकट या नेताओं की पत्नियों को मिलता है तो मेरा तो माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी से, सांसद शंकर ललवानी जी से, समस्त मंत्री गणों से, मुख्यमंत्री से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि पहली बात तो महिला मोर्चा जो आपने बना रखा है अपनी पार्टी का, वो करने के लिए कि हम देखो कितने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हितैषी है, तो सबसे पहले तो महिला मोर्चा को खत्म कर दें, क्योंकि जब ऊपर से संगठन के काम आते हैं तब तो हम पे प्रेशर बनाया जाता है कि ये नहीं, ये करना ही है, करना ही है। हम इतनी मुश्किल से, हम हर तरह से पैसा भी लगाकर हम काम करते हैं, उसके उपरांत जब टिकट बांटने की बारी आती है तो जो घर बैठी महिलाएं हैं उनको दे दिया जाता है। हमने हमारे विधायक जी आदरणीय रमेश मेंदोला जी से मिलकर यही पूरे वार्ड के स्थानीय नागरिक, स्थानीय निवासी को ही वार्ड का टिकट दिया जाए वार्ड पार्षद के लिए, इसलिए सभी ने मिलजुल कर प्रयास किया था और सबने मिलजुल कर उनसे मांग की थी। लेकिन बड़ी दुखद स्थिति है कि जब ये टिकट आज डिक्लेयर हो रहा है तो विधानसभा के 54 नंबर स्कीम में रहने वाले मनोज मिश्रा जी, जो स्वयं की पत्नी 2 बार चुनाव हार चुकी इस वार्ड का, वो उस व्यक्ति को हमारे वार्ड का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। भाई बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं विगत 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने इसी स्थिति पहली निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसान होगा इससे। भारतीय जनता पार्टी जिस कैडर बेस की पार्टी है, अपने कैडर बेस से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे हटती जा रही है। कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हम कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं करेंगे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। 4-4 25-30 साल से लोग टिकट मांग रहे हैं और टिकट दे रहे हैं।